दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन विभाग के बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली वासियों को इन इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात दी है। पहले दिल्ली की सड़कों पर 800 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती थी, लेकिन अब कुल मिलाकर 1300 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा, हमने आज जो 500 बसों को हरी झंडी दिखाई है, उससे प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। हमें दिल्ली को बेहतर बनाने की जरूरत है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आज जो हम लोगों ने 500 बसेस को रिलीज किया है, वो जीरो ट्रांसमिट करेंगी पोल्यूशन को। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और इस तरीके की नई नई चीजें और ऐड होती चली जाएंगी। दिल्ली को हमें और बेहतर करना है, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे खुशी है कि 500 बसें शामिल की गई है। मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए LG विनय कुमार सक्सेना को धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे पास कुल मिलाकर 1300 इलेक्ट्रिक बसेस है। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूँ। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। पुरानी दिल्ली से जामिया के लिए जल्द DTC बस सेवा शुरू की जा सकती है। इस संबंध में उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने पुरानी दिल्ली के छात्रों की जरूरत को समझते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बस सेवा के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। उप महापौर ने कहा कि पुरानी दिल्ली से बड़ी संख्या में छात्र जामिया से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इस मार्ग पर सीधी बस सेवा न होने की वजह से बसें बदलनी पड़ती हैं। इसमें उनका समय भी खराब होता है और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर पुरानी दिल्ली से जामिया के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी तो छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। जिस पर मंत्री ने इन मार्गों पर जल्द बस सेवा शुरू करवाने का आश्वासन भी उनको दिया।